आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज सच का पहरेदार। पिछले दिनों भारतीय क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बीच एक मैच खेला गया था जिसमें पाकिस्तान की टीम ने भारतीय टीम को हराया था, जिसके बाद कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की टीम की जीत को लेकर खुशियां भी मनाई थी और भारतीय टीम के खिलाड़ियों का मजाक उड़ाया था। इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश की सरकार सख्त हुई और ऐसा कृत्य करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का सिलसिला शुरू हुआ। कुछ इसी तरह का एक मामला जनपद रामपुर से भी सामने आया है। जनपद रामपुर के थाना अजीम नगर क्षेत्र निवासी ईशान मियां दिल्ली में काम करते हैं, वहीं उनकी पत्नी राबिया शमशी अपने मायके रामपुर में ही रहती हैं। पिछले दिनों दुबई में हुए मैच के दौरान जब पाकिस्तान की टीम ने इंडिया को हराया तो राबिया ने अपने मोबाइल पर पाकिस्तान जिंदाबाद का स्टेटस लगा दिया और भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के लिए आपत्तिजनक पोस्ट भी की थी, जिसके बाद गुस्साए पति ने रामपुर पहुंचकर इस सारे मामले से पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया। बता दें कि पति ईशान मियां की तरफ से अपनी पत्नी के विरुद्ध संबंधित धाराओं में थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। हालांकि यह मुकदमा दर्ज कराए जाने का दूसरा कारण यह भी है कि पति पत्नी के बीच थानागंज में पूर्व से ही दहेज उत्पीड़न का मामला कोर्ट में विचाराधीन है, जिसके चलते पति ने सही मौके का इंतजार किया, यह मुकदमा दर्ज करा डाला। इस मामले में ईशान मियां ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जी सर, उस दिन मैं दिल्ली में था, पाकिस्तान इंडिया का मैच था, हम फैक्ट्री के सारे लड़के मिलकर मैच देख रहे थे और जो मालिक हैं फैक्ट्री का वो भी थे। तो इन्होंने जब हार गई इंडिया तो सब लोग बहुत अपसेट थे। उसके बाद इन्होंने व्हाट्सएप स्टेटस अपडेट किए थे ये दिखाते हुए कि मुसलमान जो नमाज पढ़ रहे हैं वो जीते हैं, मुसलमानों की जीत हुई है, हिंदुओं की हार हुई है। ये मेरी बीवी ने, राबिया शमसी ने, तो उसके बाद इन्होंने काफ़ी इंसल्ट किया इंडिया को, काफ़ी खुशी मनाई उस चीज़ को लेकर के, जिससे मेरी फैक्ट्री में जितने भी लोग थे एक तरह से मुझे अजीब नज़रों से देखने लगे। मैं काफ़ी शर्मिंदा हुआ उस चीज़ को लेकर के, और क्योंकि मेरी बीवी इस तरीके का स्टेटस लगा रही है तो जाहिर है सब लोगों ने सोचा होगा कि मेरी सोच भी शायद उस तरीके की होगी, और इस वजह से मैंने SP साहब को ज्ञापन दिया था इस संदर्भ में कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पति ने पत्नी का दिखाया, पत्नी ने अपने मोबाइल सेट को लगा दिया था पाकिस्तान जिंदाबाद का DP, तो 153A और 66 ITR को दर्ज हुआ, विधिक कार्रवाई की जाए, गिरफ्तार की जाए। अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संसार सिंह ने बताया कि इस मामले में IT एक्ट की धाराओं में मामला पंजीकृत कर लिया गया है, इसमें विधिक कार्रवाई कर आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। रामपुर से रविशंकर, पब्लिक न्यूज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।